नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दिवाली का त्यौहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और दिवाली को लेकर भारत में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बड़े ही धूमधाम से इसे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर्व के आते ही हर कोई घूमने का प्लान बनाने लगता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने बच्चों या फिर परिवारों के साथ कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले अमृतसर। दिवाली के दिन अगर आप अपने बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अमृतसर आप जा सकते हैं। यहाँ बेहद शानदार तरीके से दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। अमृतसर में आपको रहने के लिए कम दाम में होटल भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, कम खर्च में बेस्ट स्ट्रीट फूड भी वहाँ मिलते हैं। बता दें, दिवाली के दिन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल लाइट से जगमगा उठता है। अब बात करते हैं दिवाली मेला की। तो अगर आप दिल्ली में हैं और दिवाली के मौके पर बच्चों के साथ कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो दिल्ली के नेचर बाजार स्थान यानी कि छतरपुर में आप जा सकते हैं। यहाँ पर दिवाली मेला हर साल लगता है। इस मेले का जो नाम है वो दस्तकार है। यहाँ जाने का प्रवेश जो प्राइस है यानी कि अगर जो एंट्री फीस की बात करें तो वो 40 रुपए है। यहाँ नाच गाने से लेकर खरीदारी तक की चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नोएडा में दिवाली मेला की। तो दिवाली के मौके पर नोएडा के सेक्टर 51 में जश्न दिवाली नाम से एक इवेंट होता है। यहाँ आप अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा इस मेले में आप पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर मजेदार गेम्स तक का आनंद उठा सकते हैं। बात करते हैं बनारस की। तो बनारस में दिवाली पर दीप महोत्सव का आनंद आप अपने बच्चों के साथ उठा सकते हैं। देश विदेश से लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुँचते हैं। बात करते हैं INA दिवाली मेला की। तो दिल्ली हाट के INA में भी दिवाली के अवसर पर शानदार मेला लगता है और ढेर सारे इवेंट्स होते हैं। इस मेले में जाने के लिए आपको 20 रुपए की टिकट लेनी होगी और बच्चों के साथ आप इस मेले को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप राम जन्मभूमि अयोध्या में भी जाके दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। बता दें, हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली यानी दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे बड़ी खासियत है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी दिवाली का त्यौहार खूब इंजॉय करते हैं। दीपों का ये पर्व चारों तरफ खुशियाँ लेकर आता है और हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बता दें आपको, दिवाली इस साल 12 नवंबर को सेलिब्रेट की जा रही है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।